मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ जिसका नाम है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और वैलेंसी का कैलकुलेशन कैसे होता है ये हम लोग आज सीखेंगे। तो सबसे पहले ये पूरा वीडियो आप लोगों को देखना है जिससे आप पूरा समझ सके कि मैं इसमें आपको क्या कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि वैलेंसी क्या होती है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो लेकर के आपके बीच में आ रहा हूँ जिससे आप इसको देखें और अपना कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर रखें, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वैलेंसी क्या होती है, एक लाइन में मैं डिफिनेशन बताना चाहूँगा। वैलेंसी इज ए कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट आर बाई लॉस आर बाई गेन आर बाई शेयर। मतलब कि जो एलिमेंट है वो नोबल गैस को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट क्या करते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होना चाहते हैं और वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कंबाइन होते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से आपको इलाबरेट करता हूँ विद डिफिनीशन विद एग्जाम्पल और आपको कैसे निकालना है वो मैं सिखाने जा रहा हूँ। तो आइए मेरे साथ एक एक स्टेप इसको हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले वैलेंसी की डिफिनीशन, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विथ अदर एलिमेंट, पहले डेफिनेशन हो गई। सेकेंड डेफिनेशन जो थोड़ा टेक्निकली है, केमिकल या कह सकते हो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में लिखी गई है। कैसे लिखी गई जरा देखिए, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन एटम और ट्वाइस ऑफ द ऑक्सीजन एटम दैट कंबाइंड विथ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब वो जो अनदर एलिमेंट से कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन के लिए एक एटम की बात करी जाएगी, क्लोरीन की एक एटम की बात करी जाएगी, या अगर हम ऑक्सीजन से कंबाइन की देखे जाएंगे तो वो ट्वाइस की बात कर रहा है इस डेफिनेशन में। तो सबसे अच्छा डेफिनेशन आप फर्स्ट वाला भी कर सकते हैं सेकेंड वाला, लेकिन जब कोई भी पूछेगा या जब कभी ऑथेंटिक डेफिनेशन की बात करी जाएगी तो आप एक लाइन में बता सकते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विथ अदर एलिमेंट, या कह सकते हो कि ये क्या होता है, इट इज आल्सो इक्वल टू दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, या कह सकते हो कि एक्सेप्टेड कर रहा है वो, गेन कर रहा है या शेयर कर रहा है, तीन में से कोई सा भी करेगा वो अपनी, तो बात वही आएगी वैलेंसी की। जैसे कि चाहे वो लॉस करे चाहे गेन करे या एक्सेप्ट करे या शेयर करे। इसलिए मैंने सबसे पहले डेफिनेशन में क्या बताया बेटा कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी होती है इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट आर बाय लॉस आर बाय गेन और बाय शेयर, कोई भी से कर सकता है। अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ऑक्टोपस आप सभी लोग जानते हैं कि ऑक्टोपस का मतलब क्या हो गया कि उसकी आठ भुजाएं होती हैं। तो आठ भुजाएं होती हैं और ह्यूमन के पास कितनी भुजाएं हैं, दो। यानी ऑक्टोपस के पास आठ भुजाएं हैं, ह्यूमन के पास दो भुजाएं हैं, या दो आर्म्स कह सकते हो हम। तो अगर एक ऑक्टोपस हमारे दोनों आर्म को पकड़ ले तो कितने ह्यूमन को पकड़ सकता है, चार ह्यूमन को पकड़ सकता है। दो हैंड हमारा पकड़ लिया, दो और का, फिर दो और का, फिर दो और का। तो यानी ऑक्टोपस को अगर हम ओ से रिप्रेजेंट करें और ह्यूमन को हम H से रिप्रेजेंट करें तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, OH4। यानी ऑक्टोपस की कैपेसिटी कितनी हो गई बेटा, चार। वैसे ही यहां पर एक लिखा हुआ है CH4। CH4 एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो कार्बन कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पकड़ सकता है, यहां पर चार। तो यहां पर कार्बन की कैपेसिटी कितनी हो गई, चार। तो कह सकते हो कार्बन की कैपेसिटी चार हो गई, वैलेंसी भी चार हो गया। यहाँ ऑक्टोपस कितने पकड़ सकता है ह्यूमन को, चार। तो कह सकते हो कि ऑक्टोपस की कैपेसिटी चार है, वैलेंसी चार है, ठीक है। अब हम निकालेंगे कैसे वैलेंसी को। तो वैलेंसी निकालना बहुत ही आसान है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के जो तरीके होते हैं, तीन तरीके होते हैं, मैंने वीडियो भी बनाया, आप वहां से देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितनी जिनका भी जिन एलिमेंट का आपको वैलेंसी निकालना है उनका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। और जैसे मैंने यहाँ से लिखा हुआ, यहाँ तो 13 एलिमेंट लिखा हुआ है, फिर देन
14 से लेकर 20 लिखा हुआ, तो हम एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको दो सेल मिलेगा, एक मिलेगा आउटर मोस्ट सेल, एक मिलेगा इनर मोस्ट सेल। तो जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, और जो इनर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कोर भी कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जैसे अब हाइड्रोजन का मैंने लिखा 1, तो इसमें वही आउटर है वही इनर है एक ही है, तो अगर आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 1 होती है। यहाँ पर हीलियम आया है, तो बेटा हीलियम जो होता है वो नोबल गैस है, उसका सेल फुलफिल है, और उस जितने भी नोबल गैस होते हैं उनकी जो वैलेंसी होती है वो 0 होती है, वो कंबाइन नहीं करते हैं। ज़ेनॉन कुछ जगह पर कुछ कंपाउंड बनाता है जो एक्सेप्शन होता है ऑक्टेट रूल का, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आप लिथियम का लिखेंगे 2-1, तो यहाँ आउट ये हो गया कोर, कोर से इलेक्ट्रॉन ही हो गया वैलेंस, हमें वैलेंस में देखना है। अगर वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 4 तक हम लोग कर डालेंगे। तो लिथियम की बात करेंगे तो लिथियम के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 1, बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 2, बोरान के 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 3, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 4। अब जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये फार्मूला वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर वैलेंसी कहां तक चलेगा बेटा, 4 तक। जहां 4 खत्म वहां ये फार्मूला खत्म। फिर दूसरा फार्मूला आएगा क्या, 8 - n, n क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन की जब हम वैलेंसी की बात करेंगे तो हम 8 - n में रखेंगे, यानी 8 - 5 वैलेंसी आएगा 3। ध्यान रखना बेटा कि जो वैलेंसी होती है वो प्लस माइनस नहीं हो सकती है। इसका वीडियो मैं आपको आगे दूंगा कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी, लेकिन इतना जानो कि वैलेंसी कभी प्लस माइनस नहीं हो सकती है। अब देखिए नेक्स्ट ऑक्सीजन की जब बात करेंगे तो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी निकालना है तो अभी हम 8 - n करेंगे तो क्या होगा, 8 - 6 वैलेंसी 2। जब हम बात करेंगे फ्लोरीन की तो 8 - n, 8 - 7 करेंगे 1 आएगा। फिर अपना 1, 2, 3 वाला फार्मूला चल सकेगा क्योंकि ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उतनी वैलेंसी होगी। यहाँ पर हम देखते हैं सिलिकॉन की, सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 4, और जैसे ही 5 होगा तो 8 - n, 8 - 5 3, 8 - n, 8 - 6 2, 8 - n, 8 - 7 1, फिर यहाँ 0, 1, 2, 3 चल जाएगा। तो इस तरह से बेटा आप वैलेंसी निकाल सकते हो। बस ध्यान क्या रखना कि कोई भी वैलेंसी पूछता है या जानने की कोशिश ऐसे करता है तो आपको बताना है, जैसे जो भी एलिमेंट है आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके उसको बता दीजिए। बस ध्यान क्या रखना है कि जो हमारा वैलेंसी होता है ना ये प्लस हो सकता है ना ये माइनस हो सकता है। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। थैंक यू वेरी मच।